रावण को क्यों करना पड़ा अपनी ही बहन सुपर्णखा के पति का वध। मित्रों, ज्यादातर लोग यही जानते हैं कि रावण की बहन के ही कारण राम और रावण के बीच युद्ध हुआ, जिसका कारण केवल सुपर्णखा थी। क्योंकि वनवास के दौरान लक्ष्मण जी ने सुपर्णखा का नाक कान काट दिया था। इसके बाद रावण ने माता सीता का हरण कर लिया था और फिर यह युद्ध हुआ। लेकिन मित्रों, क्या आप जानते हैं कि जिस बहन से रावण इतना प्रेम करता था उसी ने सुपर्णखा के पति का भी वध किया था। अगर नहीं जानते हैं तो आज के वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि हम मिलकर ये जानेंगे कि रावण ने किस कारण अपने बहनोई का वध किया था और फिर उसके बाद क्या हुआ। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अध्यात्म गुरु यूट्यूब चैनल में एक बार फिर। तो मित्रों, रामायण के अनुसार राक्षसों के परिवार को रखने वाली सुपर्णखा अपना वेशभूषा बदलने की शक्ति में बहुत काफ़ी माहिर थी। इतना ही नहीं, वह अपने चेहरे के रंग के साथ साथ अपनी आवाज़ भी बदल लेती थी। महाकवि ऋषि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में सुपर्णखा का रंग बहुत ही डरावना बताया गया है। और मित्रों, ऐसा कहा जाता है कि सुपर्णखा ने अपने पसंद के राक्षस से विवाह किया था, जिसका नाम विदुजीवा था, जो कालके नाम के एक राक्षस का सेनापति था। सुपर्णखा के विवाह के कुछ दिनों बाद रावण विश्व विजय के लिए निकला, तो वह काल के दैत्य से भी उसका युद्ध हुआ और इस युद्ध में ही उसका सामना उसके बहनोई विदुजीवा से हुआ। वह दानव रावण को अपने जीभ से चाट कर मार देना चाहता था, जिसके बाद रावण ने विदुजीवा का वध कर दिया। वही इस युद्ध के बाद जब लंकापति रावण लौट रहा था, तभी बीच में सुपर्णखा ने उसका रास्ता रोक लिया और वह उसके सामने गिरकर रोने लगी। रावण ने उसे पूछा, बहन ऐसा क्या हुआ जो तुम इस स्थिति में हो। इसके बाद सुपर्णखा ने जवाब देते हुए कहा, हे भैया, आपने मेरे पति को मारकर मुझे विधवा बना दिया है। बहन की बात सुनकर रावण ने कहा, हे बहन, मैं युद्ध क्षेत्र में यह नहीं देखता कि कौन अपना है कौन पराया है। रणभूमि में हर निर्णय को योद्धाओं के बाण करते हैं। यही युद्ध नीति कहती है कि आपके युद्ध करते समय अगर आपको मारने के लिए कोई भी आपका सगा संबंधी क्यों ना आ रहा हो, तो भी उससे युद्ध करना चाहिए और विरोचित उत्तर देना चाहिए। हे बहन, मैंने वही किया जो नीति कहती है। इसके बाद रावण और सुपर्णखा में काफ़ी वाद विवाद हुआ। फिर रावण ने सुपर्णखा को अपने मौसी के बेटे खर और दूसर के साथ दंडक वन को सौंप दिया, जिसके बाद सुपर्णखा ने अपनी पूरी जिंदगी इन्हीं जंगलों में काट दिया। लेकिन मित्रों, सुपर्णखा रावण को क्षमा नहीं कर पाई और उसने रावण को मन ही मन यह श्राप दिया कि जिस तरह तेरे कारण मेरा पूरा नाश हुआ है, उसी तरह मैं ही तेरे मृत्यु का कारण बनूंगी और तेरा सर्वनाश होगा। इसी दौरान सुपर्णखा वनवास पर आई और भगवान श्री राम के रूप पर मोहित हो गई और राम जी से शादी करने की इच्छा प्रकट की। तब भगवान श्री राम ने उसे बताया कि उनका विवाह हो चुका है, जिसके बाद उसने लक्ष्मण जी के साथ विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन लक्ष्मण जी ने भी मना कर दिया। इसके बाद सुपर्णखा क्रोधित हो गई, उसने सीता माता पर हमला करने की कोशिश किया। तब लक्ष्मण जी ने माता सीता का रक्षा करते हुए उसके नाक और कान को काट दिया। इसके बाद अपने अपमान का बदला लेने के लिए सुपर्णखा ने अपने भाई रावण को राम के खिलाफ भड़काया। रामायण के अनुसार सुपर्णखा अपने पति का बदला अपने भाई से लेना चाहती थी, लेकिन वह रावण की शक्तियों से पूर्ण रूप से परिचित थी। वही जब सुपर्णखा को राम जी के रूप में एक दिव्य पुरुष मिले, तो उसने रावण से बदला लेने के लिए ही यह सब किया। वही अपनी बहन की नाक कटने का बदला लेने के लिए रावण ने माता सीता का हरण कर लिया, जिसके बाद रामायण का यह भीषण युद्ध हुआ और भगवान श्री राम के हाथों रावण का वध हुआ। मित्रों, रामायण के अनुसार रावण का सर्वनाश होने के बाद सुपर्णखा ने माता सीता का पीछा तब भी नहीं छोड़ा। हुआ यह कि राजा राम ने एक धोबी के द्वारा सीता माता का आरोप लगाने के बाद माता सीता का परित्याग कर दिया। उसके बाद माता सीता ऋषि वाल्मीकि जी के आश्रम में रहने लगी। तभी सुपर्णखा को माता सीता के वनवास का पता चला और वह माता सीता से मिलने के लिए आश्रम जा पहुंची। उन्होंने उनसे कहा, मेरा जो अपमान तुम्हारे पति और देवर ने किया था, उसी की सजा तुम्हें आज मिल रही है। इस पर माता सीता ने उत्तर देते हुए कहा कि तुम्हारे इसी प्रतिशोध की आग में तुम्हारा पूरा कुल नष्ट हो चुका है। जिसके बाद सुपर्णखा को माता सीता की यह बात बहुत चुभी और वहां से वह चली गई। दोस्तों, अब आप जाते जाते यह भी जान लें कि सुपर्णखा की मृत्यु कैसे हुई। दोस्तों, रावण के मरने के बाद सुपर्णखा भीषण के साथ लंका में रहने लगी, लेकिन फिर कुछ सालों के बाद सुपर्णखा और उसकी सौतेली बहन कुंभनी को समुद्र के किनारे मृत पाया गया। अब इनकी मृत्यु कैसे हुई यह हमारे धर्म ग्रंथों में वर्णित नहीं है।
तो दोस्तों, आपने हमारे इस प्रस्तुति में जाना कि रावण ने क्यों किया अपने ही बहन सुवर्णखा के पति का वध। इसके साथ ही हमने जाना कि सुवर्णखा से जुड़ी कुछ अहम बातें। मित्रों, अगर आपको हमारा यह छोटा सा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक और अपने रिश्तेदारों को शेयर भी करें। और इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, ताकि जो भी नया वीडियो बनाऊं तो उस वीडियो से आप वंचित न रह जाएं। लेते हैं मित्रों विदा, फिर मिलेंगे ऐसे ही खास जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय हिंद, जय भारत।